बीवी के पानी में गिरने के बाद रो रहा था तो किस तरह देवता आकर विजय को किस्मत की देवताएं दे गया और लालची सूर्या को किस तरह उसने बदकिस्मती चिपकाई, ये हमने पिछली वीडियो में देखा था। विजय किस्मत के देवता इलियाना और अनुष्का को लेकर अपना घर वापस आया तो उसकी बीवी सरिता ने कहा, पता नहीं किस जन्म का पुण्य का फल है, किस्मत हमारे घर ढूंढ के आई है, है ना जी? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, पर क्योंकि किस्मत के देवता हमारे घर पधारे हैं, हमें अच्छा ही नहीं छोड़नी चाहिए, ये याद रखना। ठीक है। अच्छा, हमारे घर आए देवियों, आपको क्या चाहिए बोलिए, हम पका के देंगे। तुम क्या पका के खिलाओगे, क्या खाना है बताओ, हम ही पका के खिलाएंगे। हमारे लिए कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, जो आपकी मर्जी पका दीजिए, विजय ने कहा। तो अनुष्का और इलियाना खाना पकाने में लग गए। इतने में सिंह नाम का एक लॉयर आकर बोला, ओ नमस्ते जी विजय जी। अरे अरे सिंह साहब, आइए आइए, कैसे हैं आप? ओ सरिता, जरा चाय लाना, लॉयर साहब आए हैं। ओ जी मैं तो ठीक हूँ जी। बैठिए बैठिए, सिंह साहब बैठ गए। कोई काम था जी? ओ जी आपके संपत्ति के कागजात मैं आपको देने आया था जी। हमारे संपत्ति के कागजात है? हाँ जी, कई साल से ये केस कोर्ट में एड़िया घिस रही थी, हम जीत गए, ये रहे आपके 4 एकड़ के कागजात। उसने विजय के हाथ में कागजात थमा दिए। उन्हें लेकर विजय ने बोला, अरे क्या अद्भुत समाचार सुनाए हो लॉयर साहब। वो कह ही रहा था, इतने में सरिता चाय लेकर आ पहुंची। उसने सिंह साहब को चाय दिया। अरे कोर्ट केस हम जीत गए सरिता, हमारी जमीन वापस मिल गई है, उसने अपनी बीवी से कहा। ये सुनकर बीवी बड़ी खुश हुई। सिंह साहब ने चाय पिया और बोले, अच्छा जी अब मैं चलता हूँ। ठीक है लॉयर साहब। लॉयर साहब, कई दिनों से मेरे मन में कुछ चल रहा था, पूछो क्या? ओ जी बेधड़क पूछो जी। आपका नाम सच में सिंह ही है ना? ओ जी ये कैसी डाउट हुई, अच्छा तो सुनो, मेरा नाम गंगाराम था जी, सिंह में बदल देने से किस्मत बदल जाएगी, तो इसलिए मैंने सिंह में बदल दिया। हो। अरे बढ़िया किया साहब। अच्छा जी अब आपका संदेह तो मिट गया, मैं चलूं फिर, कोई और केस हो ना तो फोन करना। कहकर वो चले गए। उनके जाने के बाद सरिता ने कहा, किस्मत के देवता का हमारे घर में कदम रखते ही अपनी भाग्य खुल गई। हाँ सही है, अच्छा ठीक है कागजात संभाल के रखना। उसने पेपर सरिता को दे दिए। किस्मत के देवता उनके घर में थे तो उनकी किस्मत खुलने लगी। इधर बदकिस्मती की देवियाँ सूर्या के घर में थे तो उसकी बदकिस्मती बढ़ने लगी। विजय और सूर्या के घर आमने सामने थे। एक दिन सूर्या अपने घर पे बैठकर अपनी बीवी को फोन कर रहा था। हेलो, अब गलती हो गई लक्ष्मी, घर वापस आ जाओ ना। ये मेरी बीवी है, मेरी बीवी है कह के इन दोनों को लाके रखे हो ना, अब रहो उनके साथ ही। तुम्हारे बिना मेरा दिल टूट जाएगा, वापस आओ ना। तुम पत्थर दिल हो, दिल थोड़ी टूटेगा, दिल टूटे चाहे कुछ और टूटे, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं चली, मैं नहीं आने वाली, बार बार फोन करके बुलाना मत। उसने फोन रख दिया। लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, अरे मेरी बात क्यों नहीं मान रही हो लक्ष्मी, वो बैठ के रो रहा था। इतने में बदकिस्मती की देवियां वहां आ पहुंची। वो दोनों ब्लैक एंड व्हाइट कलर में थे। रोते हुए सूर्या को देखकर वो दोनों हंसने लगे। उन्हें हंसते देख सूर्या ने कहा, मैं रो रहा हूँ और तुम्हें हंसी आ रही है, जाओ यहाँ से, वो उनपे गुस्सा हो रहा था। इतने में राहुल नाम का एक आदमी आकर बोला, सर, उसने जोर से चिल्लाया। उसे देखकर सूर्या ने कहा, अरे तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारे सर पर भी बड़े भगवान बैठे हैं क्या? अरे सर मेरे सर पे नहीं, आपके सर पे बैठे हैं। अरे वो मुझे पता है, अब क्या हुआ बता। बस्ती में आपका घर रोड वाइडनिंग के लिए तोड़ दिया गया सर। उसकी बातें सुनकर सूर्या अपने दिल पकड़ के बैठ गया। क्या मेरा घर तोड़ दिया? अरे ये दरिद्र देवता मेरे सर पे से कब उतरेंगे बाबा। वो रो रहा था और उसे देखकर दरिद्र देवताएं हंस रही थी। ये देखकर उसने कहा, आप लोग हंसना बंद करो ना बाबा। तो राहुल ने कहा, अरे सर यहाँ तो कोई है नहीं। अरे वो तुम्हें नहीं दिखेंगे बाबा, जाओ। अरे मेरा सत्यानाश हो गया भगवान, हे भगवान। वो जोर जोर से रो रहा था और उसे देखकर देवियां हंस रही थी। इधर दिन ब दिन सूर्या का सत्यानाश हुए जा रहा था। ऐसा चल रहा था, एक दिन प्रदीप नाम का आदमी उनके गांव में
लॉटरी टिकट्स लेके आया। वो विजय के घर के सामने खड़ा होकर बोला, ए भाइयों बहनों सारे सुनो, लॉटरी के टिकट लाया हूँ। 1000 का टिकट लोगे तो करोड़ रुपए जीतोगे। सोचने में टेम खोता मत करो, टिकट लो और करोड़पति बनो। वो जोर जोर से चिल्लाया जा रहा था। विजय के घर में जो किस्मत की देवियां थी उन्होंने विजय से कहा, जाकर लॉटरी टिकट खरीदो। लॉटरी टिकट? मैं ऐसे फोकट के पैसे नहीं लेता। फोकट के पैसे नहीं है, ये तुम्हारा ही पैसा है, जाकर ले लो। ओहो तो ठीक है। वो राहुल के पास आकर बोला, टिकट कितने की है? 1000 की। जीतने वाले का नाम कब घोषणा करेंगे? अरे आज ही, घंटे भर में बोल देंगे। जीतने वाले का लॉटरी टिकट का नंबर मेरे पास आएगा, कल अखबार में भी आ जाएगा। फिर टिकट लेकर ऑफिस आ जाना, चेक मिल जाएगा। ठीक है तो एक दे दो। विजय लॉटरी टिकट खरीद रहा था, सामने के घर से सूर्या विजय को देखे जा रहा था। इतने में दरिद्र देवता आकर बोले, तुम भी जाओ और लॉटरी टिकट खरीदो। क्यों मेरी माँ, मेरा सत्यानाश करने के लिए मैं ले लूंगा। वो बोली रहा था, इतने में लॉटरी जीतने वाले का नंबर का मैसेज आया। राहुल ने कहा, सर आपकी लॉटरी लग गई, कंग्रेट्स। टिकट खरीदने से पहले ही मुझे पता था मेरा नंबर लगेगा। वो कैसे सर? वो तुम नहीं समझोगे। विजय को लॉटरी मिलते हुए देखकर सूर्या अंदर ही अंदर जल रहा था। उसने सोचा, अरे विजय 1000 रुपए खर्चा करके करोड़ रुपए जीत लिया तूने। सोचकर वो रास्ते की तरफ देखा और बोला, अरे वो माधव बोल रहा था किसी को भेजेगा पैसे लेने, वो अभी तक आया नहीं। इतने में महेश नाम का एक आदमी सूर्या के घर के सामने से निकल रहा था। उसे देखकर सूर्या ने कहा, अरे आओ भैया आओ, ये लो पैसे लो, 10 लाख रुपए है, तुम्हारे सर तक पहुंचा देना। उसने बैग उसे दे दिया। महेश पैसे लेकर चुपचाप वहां से निकल गया। उसके जाने के आधे घंटे बाद माधव ने फोन करके कहा, रे यहाँ छोकरे है नहीं, मैं कला के पैसे ले लूंगा। ये सुनकर सूर्या के होश उड़ गए। ए छोकरे नहीं है क्या बोल रहा है, थोड़ी देर पहले तो वो आके पैसे ले गया। अरे वाह ऐसे कैसे, मैंने तो किसी को भेजा नहीं, मैं कल आऊंगा पैसे लेने, मेरे साथ नाटक वाटक मत करना तू। उसने धड़ाम से फोन रख दिया। सूर्या के सिट्टी पिट्टी गुल। इधर दरिद्र देवता खड़े खड़े हंसे जा रहे थे। तुमने जिसके बारे में सोचा था वो नहीं आया। देखा तुमने लॉटरी टिकट नहीं खरीदा फिर भी पैसे गए। वो हंसे जा रहे थे और सूर्या बेचारा मुंह लटका कर रोए जा रहा था। दादा टीवी। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।